नमस्ते बच्चों, केम छो? मजा में प्रथम सत्र में धोरण छ नी अंदर आपणे कोर्स पूर्ण थई गयो। हवे बीजा सत्र नी अंदर धोरण छ नी अंदर प्रवेश करिए। बीजा सत्रनुं पहेलुं ज काव्य छे अने ए प्रार्थना स्वरूपे अपना पाठ्यपुस्तक में लखेलू छे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदात बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न हो और न रख कर सभी का जीवन मधुवन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सृष्टि के सृजनहार परम कृपाणु परमात्मा ही हैं। ईश्वर ने ही ये सृष्टि का सर्जन किया है। तो सुख में दुख में या तो जब भी हमें समय मिले तब हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और मांगना क्या चाहिए कि बस हमारा शरीर स्वस्थ हो और हम अच्छे अच्छे कार्य कर सके, ऐसी कामना भगवान से करनी चाहिए, ऐसी ही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। देखो बच्चों, सुख और दुख ये तो जीवन का सिलसिला है। हाँ, कभी जीवन में सुख होगा, कभी जीवन में दुख होगा। तो इस प्रार्थना गीत में, इस अभिलाषा कविता में हमें ऐसी ही कामना की गई है, ऐसे ही भाव प्रकट किए गए हैं। कैसे, तो देखते हैं हम। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ, भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे दाता, दाता यानी ईश्वर, हे भगवान इतनी शक्ति हमें देना कि मन का जो हमारा विश्वास है वह कभी कमजोर न हो। क्या न हो? कमजोर न हो। सुख में दुख में हमारा मन है वह मजबूत होना चाहिए। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। क्या कहा? हम चले नेक रास्ते पे, सही रास्ता, नेक रास्ता यानी सही रास्ते पे चले और भूल कर भी हम कोई भूल न कर बैठे। हे दाता, हे ईश्वर, हे भगवान आप इतनी शक्ति हमें देना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना। दूर दुनिया में, विश्व में अज्ञानता है, न समझने की अज्ञानता है, अंधेरा है, लेकिन हे दाता, हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना, तू हमें सच्चा ज्ञान देना। वैसे अज्ञानता में हम भी हमारी जिंदगी बर्बाद न करें, हमारा जीवन ऐसे ही पूर्ण न करें, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना। हाँ, फिर क्या कहा? हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से, जो कोई बुराई आ जाए, कोई दुख आ जाए, उनसे आप बचाते रहना, जितनी भी दे, चाहे थोड़ी दे चाहे ज़्यादा दे, लेकिन वह थोड़ी हो या ज़्यादा, हमें जिंदगी भली देना, भली यानी अच्छी देना। हे दाता, हे ईश्वर, थोड़ी भी सही लेकिन जिंदगी हमारी भली
यानी अच्छी दे देना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम किसी के सामने बैर ना बरते, बैर भावना, ये ऐसा है, ऐसा है, वो ऐसे करेगा तो मैं भी करूँगा, नहीं। बैर होना किसी का किसी से, बैर करके झगड़ा करके ये करता है तो मैं करूँ, ऐसे हमारे मन में बदला लेने की भावना कभी न होनी चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे ईश्वर, हे परम कृपाणु परमात्मा, हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा मन है कमजोर न हो जाए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हाँ हमें जो मिला है उसमें हम बहुत खुश हैं। हम न सोचे, हम ऐसा नहीं सोचते हमें ऐसा मिला है वैसा मिला, जो दिया है वह सही है हमारे लिए, हमारा कर्म का फल। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यह क्या है अर्पण। आपने हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, हम ये सोचे कि यह क्या है अर्पण, आपने हमें अर्पण किया है सब कुछ, तो हमारा क्या फर्ज है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। फूल बाग में जब खिलते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ लहराते हैं, सुगंध ही सुगंध लहराते हैं, तो ऐसे ही हम भी ऐसे फूल बांटे, हम भी अच्छे विचार को बांटे और सबका जीवन कैसा बन जाए मधुवन जैसा। बाग में जैसे खिलते हुए फूल रंग बेरंगी हंसते हुए खिल होते हैं, वैसे सबके जीवन को मधुवन के जैसे बना देना। फिर क्या कहा, अपनी करुणा का जल तुम बहा के, हे ईश्वर, हे भगवान, अपनी करुणा, हाँ ईश्वर की करुणा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कर दे पावन हर एक मन का कोना, बहुत अच्छी तरह से लिखा है प्रार्थना में, अपनी करुणा का जल तुम बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। क्या कहा, अपनी करुणा, ईश्वर की करुणा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कर दे पावन हमारे मन के कोने को, हर एक कोने को पावन पवित्र बना देना। अच्छी ही सोच होनी चाहिए, अच्छे ही विचार हमारे होने चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दे देना। फिर आगे क्या कहा, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, हे भगवान, हम तो इस दुनिया में अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में कैसे, हाँ क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, भगवान की कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो ऐसे अंधेरे में ही है हम, आप रोशनी दे, खो न दे खुद को भी दुश्मनी से। हाँ, दुश्मनावट में, झगड़ा में ऐसी अच्छी जिंदगी को हम खो न दे, ऐसी हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से। क्या कहा, हम सजा पाए, जो हम भूल करते हैं तो सजा भी दे देना, हमने ही ऐसा बुरा कार्य किया तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी, तो हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सहले खुशी से। हाँ, ईश्वर जो जिंदा रखना चाहते हैं तो ही हम जिंदा रहते हैं, ईश्वर यानी हमारी जिंदगी पूर्ण हो जाती है तो एक पल के लिए भी हम रुक नहीं सकते, तो मौत भी हो तो भी सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, कल जो गुजरा है अच्छा या बुरा ऐसा फिर न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, आने वाला कल जैसा बीता हुआ कल वैसा न होना चाहिए, और
ऐसा कार्य भी हमें नहीं करना चाहिए। हम इतनी शक्ति हमें देना दाता। फिर बहुत अच्छी तरह से लिखा है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। अभी देखो तो सही, ये दुनिया में, ये विश्व में डर डर जैसा लगता है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति डरते हुए जिंदा रहते हैं, ऐसी कामना में दौड़ते रहते हैं। तो बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ही लाचारी से जिंदगी जी रहे हैं। तो हर तरफ ये विश्व में, ये दुनिया में हर जगह लाचारी है, बेबसी है, यानी डरा डरा सा हुआ जीवन है। और सब लोग सहमा सहमा सा, हर आदमी डरता हुआ ही जिंदगी जी रहे हैं। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बहुत अच्छी तरह से लिखा है, पाप का बोझ अभी बढ़ता ही जा रहा है। देखो तो सही, दुनिया में कितनी लोग गलतियां करते हैं, पशु को मारते हैं, गाय माता को मार देते हैं, अपने अपने परिवार के लोगों को भी मारने के लिए तैयार हो जाते, तो ये क्या है? पाप ही है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, जाने कैसे ये धरती थमी है, माँ धरती कैसे शांत है। इसलिए तो देखो, आज के इस युग में, आज के इस समय में ऐसी महामारी आई कि दुनिया को एकदम डुला दिया है, एकदम रुला दिया है। बहुत संकट भरे दिन आए हैं, क्योंकि आज के मनुष्य पाप करने से डरते नहीं हैं। तो हे भगवान, बोझ ममता से तू ये उठा ले। हे ईश्वर, परम कृपालु परमात्मा, ये भार है, ये जो बोझ है, ये दुख है, जो संकट है, इनका भार तू उठा ले, और तेरी रचना का ही अंत होना। हे भगवान, तेरी बनाई हुई दुनिया का कभी अंत ना हो, और ऐसे कभी दिन ना हो कि हम खराब कार्य करें, या तो हम ऐसे कार्य करें जैसे हमें पछताना पड़े। तेरी रचना का ही अंत होना है भगवान, तेरी ये बनाई हुई रचना है, ये विश्व है, उनका कभी अंत ना हो, और हमें अच्छी जिंदगी देना। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हाँ बच्चों, आप भी सुबह शाम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते होंगे, और करना भी चाहिए। लेकिन एक मेरी भी प्रार्थना सुन लेना कि सुबह जब आप उठते हैं, तो पहले आप, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, वर्ग में आती हूँ तब भी बताती हूँ, कि आप मम्मी पापा के पैर भी छू लेना। सबसे बड़े भगवान हमारे कौन हैं? हमारे माँ बाप। कौन हैं? हमारे माँ बाप। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना काव्य गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। सरस मजानी प्रार्थना तमे समझी हशे, अने तमे पण घरे आनु गायन करजो। हूँ पण तमने आ काव्य छे, प्रार्थना गीत छे, ए गायने संभळावीश। हाँ, ઘણી વખત હું તમને વર્ગખંડની અંદર પણ કહું છું, આજે પણ કહું છું, કે પહેલાં સવારમાં ઉઠી અને જમણા હાથની હથેળીના દર્શન કરવા, અને આવડે તો શ્લોક બોલવો, કરાગરે વસતે લક્ષ્મી કરમૂલે સરસ્વતી કરમધ્યે તુ ગોવિંદ પ્રભાતે करदर्शनम, प्रभाते करदर्शनम। तो ये सौथी श्रेष्ठ प्रार्थना थी जाए। पछी धरती माता ने वंदन करी पगे लागी, ए जापी सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना छे। तो बाळको, सुंदर मजानी प्रार्थना काव्य तमे समजा। हवे पछीना तासनी अंदर हूँ तमने गायने संभळावीश।